नमस्कार व्यूअर्स, गरासिया जनजाति राजस्थान में मीणा और भील के बाद यह सबसे बड़ी तीसरी जनजाति है। इसे ग्रेसिया भी कहते हैं। इस जनजाति का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है। गरासिया जनजाति की उत्पत्ति। यह जनजाति चौहान राजपूतों के वंशज हैं। ये मूलतः बड़ौदा के निकट चैन पारण क्षेत्र से चित्तौड़ के निकट आए थे। अब इन्होंने अपनी सभी राजपूती आदतों को त्याग दिया है और भीलों की पुत्रियों से विवाह कर उन्हीं के अति निकट आदि प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। गरासिया जनजाति में पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। पिता का परिवार में सर्वोच्च स्थान होता है। वहीं परिवार के भरण पोषण का दायित्व स्त्रियां संभालता है। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्य को बड़े साहस व परिश्रम से करती हैं। वे पति व परिवार की खूब सेवा करती हैं। गरासियों में तीन प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, मोरबंधिया, पहरावना और ताणना। मोरबंधिया विवाह के अंतर्गत विवाह बहुत कुछ हिंदुओं में प्रचलित ब्रह्म विवाह के अनुरूप होता है। इस विवाह में फेरे, चोरी, मोर बांधना आदि रस्में पूरी की जाती हैं और विवाह के उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा भेंट की जाती है। पहरावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं। विवाह की रस्म को पूरा करने के लिए ब्राह्मण की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। तीसरे प्रकार का जो विवाह है ताणना। ताणना में ना तो कोई सगाई की रस्म पूरी होती है और ना ही चोरी और फेरों की रस्म पूरी होती है। इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या मूल्य वैवाहिक भेंट के रूप में देता है। इस प्रकार से जब वर अपनी वधू को स्वयं पसंद कर लेता है तो वह अपनी इस वैवाहिक पसंद या स्वीकृति को उस कन्या को जंगल में पशु चराते समय छूकर व्यक्त करता है। तदुपरांत पंचों को एकत्रित किया जाता है। पंच विवाह में दिए जाने हेतु भेंट निश्चित करते हैं जो वर पक्ष कन्या पक्ष को देता है। यह लगभग 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा होता है। प्रत्येक पंच को एक बछड़ा और एक थान मिलता है। उसके बाद वर कन्या को अपने घर ले जाता है। गरासिया जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। एक विवाहित स्त्री से कोई दूसरा पुरुष उसके जीवित पति को वैवाहिक भेंट देकर विवाह संपन्न कर सकता है। विवाह संबंध से बाहर यौन संबंध स्थापित करने के ये लोग बहुत खिलाफ हैं और इस प्रकार के अवैध संबंध स्थापित करने वालों को कठोर सजा दी जाती है। गरासिया जनजाति के लोग शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा करते हैं। ये अत्यंत अंधविश्वासी होते हैं। सफ़ेद रंग के पशुओं को वे पवित्र मानते हैं, चाहे वे गाय हो या भेड़ बकरी। गरासिया जनजाति में शव जलाने की प्रथा है और इनका मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार होता है। गरासिया जनजाति के लोग बड़े उत्साह से त्यौहारों को मनाते हैं। होली और गणगौर इनके प्रमुख त्यौहार हैं। इस अवसर पर गरासिया स्त्री व पुरुष दलबद्ध होकर नाचते गाते और खुशी मनाते हैं। स्त्रियां जौ के पौधे अपने सिर पर रखकर गोला बनाकर नाचती हैं और पुरुष इनके चारों ओर ढोल बजाकर नाचते हैं। गरासिया जनजाति अपने अपने गांव में पंचायतों का गठन करती है। पंचायत बड़े बूढ़ों की परिषद मानी जाती है। इसका प्रधान गांव का मुखिया होता है। पंचायत ही गांव के लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है और आपसी झगड़ों का निपटारा करती है। पंचायत और मुखिया के आदेशों का पालन किया जाता है। गरासिया पंचायत यौन संबंधों को बड़ी गंभीरता से लेती है और यौन व्यवहारों के संबंध में अत्यंत कठोरता देखने को मिलती है। गरासिया दक्षिण राजस्थान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। कुछ लोग माउंट आबू के दक्षिणी भाग में भी रहते हैं।
गरासिया मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि करते हैं। भीलों के संपर्क में आने पर इनके व्यवसाय भीलों की भांति ही दृष्टिगोचर होते हैं। गरासिया मुख्यतः राणाओं के कृषि श्रमिकों का जीवन व्यतीत करते हैं।